इस कार को लेने का मेन रीजन मेरे को तो इंटीरियर ही लगा। माइलेज इसका सिटी में थोड़ा बेकार रहता है, मतलब स्पेस इस कंपैरिजन में किसी में भी इतना स्पेस नहीं है। हेलो गाइस, मैं हूं जय चौधरी। तो ये भाई हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस स्पोर्ट्स, पेट्रोल ऑटोमेटिक है ये। हुंडई की ना भाई ये i10 वरना क्रेटा वगैरह बड़ी चलती है। तो आइए अपन आज जानते हैं ये कार के ओनर से कि उनको इसमें क्या खास लगा। आ जाओ ईशान भाई। तो ये है कार के ओनर ईशान व्यास भाई। तो आपको इसमें i10 में ऐसा क्या खास लगा जो दूसरी गाड़ियों में नहीं लगा? इसका जो एक्सटीरियर है, जो लुक्स है इसके और जो इंटीरियर है वो दोनों ही सेगमेंट में बेस्ट है। अच्छा, आपको भी हमने कार्स देखी इस सेगमेंट में, जैसे स्विफ्ट हो गई और टियागो हो गई, तो इन सब के मुकाबले जो इंटीरियर है इसका वो लाजवाब है। अच्छा, इंटीरियर आपको खास लगा इसका? तो जो इसमें लेग रूम है वो सिटिंग में मतलब बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा, उस कार के मुकाबले उसमें थोड़ा कंजेस्टेड था जो टियागो है। और स्पेस इसमें बाहर से देखें इसको तो इतना स्पेस नहीं लगता है, पर जब अंदर बैठते हैं तो अलग ही कंफर्ट महसूस होता है। अच्छा, और वैसे सीट कवर आपने बाहर से लगवाए होंगे? जी, शोरूम से लगवाए या फिर बाहर से? ये सब एक्सेसरीज अलग शॉप से लगवाई। अच्छा, और क्या क्या एक्सेसरीज आपने लगवाई है इसमें? इसमें ये सेफ्टी के लिए पीछे कभी स्क्रेच स्क्रेच नहीं हो। हाँ, और ये डोर वाइजर भी आपने लगवाए हैं? जी। उसके अलावा और क्या क्या लगवाया है? बस इसके अलावा फ्लोरिंग करवाई है अंदर। और वैसे कितना टाइम हो गया अपने को इसको ले हुए? इसको 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए हैं। और कितने की पड़ी थी अपने को जब ये? ये अपने को 7.93। 7.93। और वैसे आपका बजट कितना क्या था, मतलब कितने में आप गाड़ी ढूंढ रहे थे? अंडर 8 लाख से था। अच्छा, 8 लाख के अंदर आपको ये सबसे बेस्ट लग रही थी जी। और इसमें मतलब वो ऑटोमेटिक का थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है इसमें। हाँ, ऑटोमेटिक के ज़्यादा लग जाते हैं। बाकी 7 में भी आ सकती है जो ओरिजिनल है, मतलब हाँ मैनुअल जो है। और बाकी आपको इसकी लाइट्स का थ्रो वगैरह कैसा क्या लगता है? लाइट्स का थ्रो मीडियम है, मतलब इसका ज़्यादा हाई भी नहीं है और लो भी नहीं है। अच्छा, और यहाँ पर ये DRL भी देखने को मिल जाती है, ये भी बड़ी मस्त लगती है। और इसकी रेल की डिज़ाइन भी बड़ी अच्छी है। वैसे लुक्स आपको इसके अच्छे लगे थे? हाँ। अब ईशान भाई, इसके इंटीरियर के बारे में बताओ। इस सेगमेंट में जो इसका इंटीरियर है जो मतलब दूसरी कार्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा लगा था मेरे को। हाँ। जो इसको लेने का मेन रीजन है। अच्छा, इस कार को लेने का मेन रीजन मेरे को तो इंटीरियर ही लगा, क्योंकि जो अंदर अपन बैठ के चलाने वाला जो है उसको भी तो मजे आने चाहिए। हाँ, ये बात तो है भाई। इसका इंटीरियर काफी अच्छा लगता है, ऐसे डुअल टोन में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक फिनिश वगैरह दे रखी है और इसका क्लस्टर भी वैसे बढ़िया दिखने मिल जाता है। इसका थोड़ा एक्साइटिंग इंटीरियर है, मतलब ऐसा बोरिंग नहीं लगता है कि बिल्कुल एकदम केवल स्क्रीन हो। हाँ। और डैशबोर्ड एकदम सिंपल जो बाकी टाटा और इसमें जो आता है। हाँ। हुंडई का हमेशा से ही रहा, इंटीरियर में हमेशा बेस्ट रहती है। ये बात तो है कि हुंडई के इंटीरियर काफी अच्छे, मारुति और टाटा के मुकाबले इंटीरियर अच्छा देती है। और बाकी इसका आप कैमरा दिखाना कैसा क्या है इसमें? ठीक है वैसे कैमरा की क्वालिटी तो? हाँ, कैमरा भी ठीक है इसका। और बाकी इसका एसी का थ्रो वगैरह कैसा क्या लगता है आपको? कूलिंग वगैरह कैसी लगती? कूलिंग भी बहुत शानदार है इसकी, मतलब ज्यादा हाई भी नहीं रखना पड़ता है, लो में ही, मतलब स्पीड जो है इसकी, हाँ, विंड स्पीड कम में भी काम हो जाता है इसमें। और इसमें रेयर भी है। हाँ, रेयर एसी विंड्स भी। हाँ, ये भी सही है, तो पीछे वाले को भी टाइम से हवा मिल जाती है इसमें। हाँ, और बाकी इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसमें गियर शिफ्टिंग वगैरह ऐसी मालूम पड़ती है या कुछ स्मूथ है? बिल्कुल स्मूथ है इसमें, मतलब इस जैसे स्पीड चेंज होती जाएगी वैसे वैसे लाइट होती जाती है। अच्छा, वैसे स्मूथ है गियर शिफ्टिंग। और बाकी इसमें यहाँ ग्लव बॉक्स में ठीक ठाक स्पेस मिल जाती है, यहाँ भी थोड़ी बहुत स्पेस वगैरह है। और यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है, बोतल रखने का, बोतल होल्डर वगैरह। और बाकी स्पीकर इसके कैसे क्या हैं? स्पीकर तो अब साउथ कोरिया की गाड़ी है तो बेस्ट ही होने वाले हैं उसके स्पीकर तो। एक बार चेक करें अपन इसका साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी भाई अच्छी है वैसे तो इसकी। और बाकी आपने अभी तक कितनी क्या चला ली इसको? इसको 12,244 किलोमीटर चल चुकी है। अच्छा, और माइलेज वगैरह कैसे क्या दे रही है ये? माइलेज इसका सिटी में थोड़ा बेकार रहता है, मतलब 14-15 ऐसा देती है, और हाईवे पे थोड़ा ठीक रहता है। हाईवे पे कितना? हाईवे पे 22-23
अच्छा दे देती है, मतलब हाईवे पे अच्छा दे देती है माइलेज। और आपको इसके सीट का कंफर्ट वगैरह कैसा क्या लगता है? सीट बिल्कुल कंफर्टेबल है इसकी, आगे की भी और पीछे की भी, जो टिल्टेड बनाई है थोड़ी तो लेग रूम उसमें अच्छा मिल जाता है। बाकी आपने कवर भी अच्छे मैचिंग लगा लिया, मतलब ब्लैक और ग्रे कलर में जैसे इसका डैशबोर्ड है ना। और वैसे आपने इसमें टॉप स्पीड कितनी क्या अचीव करी है, वैसे कहाँ तक ले गए? 100-110 बस। तो उसमें गाड़ी कैसी रहती है, स्टेबल रहती है या थोड़ा ऐसा कुछ लगता है आपने? वो उसमें स्टेबल ही रहती है गाड़ी। पिकअप वगैरह कैसा क्या है इसका? पिकअप शानदार है इसका, मतलब वो ऑटोमेटिक में तो प्रॉब्लम आती नहीं है, जितनी आप रेस दोगे वैसे उस हिसाब से चलती है वो। आपका ऐसा शुरुआत से ऑटोमेटिक लेने का था या फिर मैनुअल का भी आपका ध्यान था? कार तो मतलब ऑटोमेटिक ही लेनी थी, अब वो था कि कौन सी लेनी, बस इसमें ही था ऑटोमेटिक तो फिक्स था इसमें। अच्छा, ऑटोमेटिक अपना फिक्स था। बाकी इंटीरियर में तो हाँ इजी हो जाता है ऑटोमेटिक में, जैसे मतलब केवल ड्राइविंग मोड पे लगा दो हाँ। तो फिर कुछ करना ही नहीं है, लाइफ इज इजी देन। बाकी भाई जब आप ऑटोमेटिक लेने के लगे होंगे तो ऐसे बहुत सारे बोल रहे हैं यार ऑटोमेटिक मत लो, ऐसा है और वैसा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? बहुत सारे ऐसे सोचते हैं, इंडिया में अभी थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ऑटोमेटिक को, तो उसके थोड़ा रिव्यू में शायद लोगों को अभी पता नहीं है इसके बारे में ज्यादा, पर जैसे बाहर अमेरिका में देखें तो ऑटोमेटिक ही बनती है बहुत सालों से। हाँ, जो बढ़िया बड़ी गाड़ियां आती हैं उनमें तो मैनुअल आता ही नहीं। अमेरिका में तो मतलब मैनुअल कब से बंद हो चुकी है, तो अब ऑटोमेटिक का ही टाइम है, तो वो उस हिसाब से ऑटोमेटिक ही बेस्ट रहती है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं फेस करी अभी लोगों ने इसमें ऑटोमेटिक हाँ। में बहुत सारे सोचते हैं कि यार इसका मेंटेनेंस ज्यादा रहेगा, ये रहेगा, वैसे आपको अभी तक कुछ लगा है क्या? नहीं नहीं, कोई मेंटेनेंस का तो काम पड़ा ही नहीं है अभी तक कुछ। और भैया ने एक उनने ऑटोमेटिक ली थी बलेनो हाँ। तो उनसे रिव्यू लेके हमने फिर इसको ऑटोमेटिक का ही सोचा, मतलब उनको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, वो भी इंडिया टूर पे निकले थे ऑटोमेटिक से, तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। अच्छा, और बाकी इंटीरियर का देखा जाए तो आपको इसमें अंदर इंटीरियर में तो कुछ कमी नहीं लगती है? इंटीरियर में तो कुछ कमी नहीं, इंटीरियर के हिसाब से तो इसको ली गई है तो उसमें कुछ ज्यादा कमी नहीं है। अभिशान भाई बताओ कि चलाने में कैसा क्या फील आता है? चलाने में बिल्कुल एकदम स्मूथ चलती है, मजा आता है और बिल्कुल जीरो नॉइस पे चलती है, इंजन नॉइस भी नहीं आता अंदर केबिन में। और बाकी इसकी सर्विस का क्या, कैसा क्या है आपको हुंडई की सर्विस कैसी क्या लगती है? सर्विसिंग भी इसकी बहुत अच्छी थी, मतलब जो मैनेजमेंट वाले हमने अच्छे से जीरो कॉस्ट पे, फर्स्ट सर्विसिंग ही हुई है अभी तो इसकी वजह से। अच्छा, फर्स्ट सर्विस ही हुई है बस, जीरो कॉस्ट पे जो होती है वही। अच्छा, वैसे आपने गाड़ी कहाँ से ली है? ये इंदौर से ली है भाई। अब हम सेकंड रो में आ चुके हैं, स्पेस वगैरह तो यार इसमें सब सही में बहुत अच्छी मिल जाती है, आप लेग रूम वगैरह देख सकते हो। इसके स्पेस के बारे में आपको क्या कहना है? इसके मतलब स्पेस इस कंपैरिजन में किसी में भी इतना स्पेस नहीं है, स्विफ्ट में देखें तो भी लेग रूम इतना नहीं मिलता है हाँ। और टियागो में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, उसमें मतलब 6 फीट का इंसान इसमें बहुत आसानी से बैठ सकता है हाँ। थाई सपोर्ट वगैरह भी ठीक है और हेडरूम भी अच्छा मिल जाता है। सीट जो है थोड़ी टिल्टेड है हाँ। उससे भी वो कंफर्ट भी अच्छा हो जाता है और स्पेस भी उससे भी ज्यादा मिलती है। तीन लोग भी भाई इसमें बड़े आराम से बैठ के जाते होंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत कम्फर्ट, तीन तो मतलब बहुत ही कंफर्टेबल होके जाते हैं इसमें। और अगर एडजस्ट करने में चार भी बैठ सकते हैं हाँ, चार भी वैसे बैठ सकते हैं। और ये बूट स्पेस आप इसकी देख सकते हो, वैसे तो अच्छी मिल जाती है, 260 लीटर की बूट स्पेस है इसमें। और इसके नीचे देखे तो ये अपना स्पेयर टायर है, बाकी ये तो स्टील व्हील है, बाकी टायर साइज तो सेम ही है 165/70 R14। और ये अपने अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, बाकी टायर साइज तो सेम ही 165/70 R14। बाकी अलॉय व्हील्स की डिजाइन वगैरह भी मस्त है। और बाकी इसमें पीछे देखें तो ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और आगे तो डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। तो ईशान भाई इसकी ब्रेकिंग वगैरह कैसी क्या लगती है आपको? ब्रेकिंग भी इसकी सही है, अच्छी स्पीड में भी ब्रेक अच्छे से लग जाता है इसमें और एकदम स्मूथ ब्रेकिंग है इसकी, कोई अच्छा वाली बात नहीं। और भाई आपका सेफ्टी के बारे में क्या कहना है, मतलब इसकी सेफ्टी ऐसा देखा जाए तो इतनी कुछ खास है नहीं, अगर आप टाटा वगैरह की गाड़ी लेते तो उसमें आपको सेफ्टी अच्छी मिल जाती? सेफ्टी मतलब इसकी मीडियम है, टाटा की तो बेस्ट रहती है जैसे अपने इंडियन कंपनी है, बाकी मारुति के कंपेरिजन इसमें तो इसकी ज्यादा अच्छी हाँ है हाँ। तो उस हिसाब से फिर इसमें जैसे बलेनो है उसकी ज्यादा अच्छी रेटिंग नहीं है तो उस हिसाब कंपैरिजन में मतलब मीडियम है इसकी। मतलब भाई आपने सेफ्टी पे ऐसा कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्या? नहीं तो आजकल काफी लोग सेफ्टी के ऊपर भी काफी ध्यान देते हैं। हाँ सेफ्टी पे मतलब ज्यादा हमने ध्यान नहीं दिया है, लुक्स और कंफर्ट और वो ज्यादा उसको कंसीडर करते हैं हम। और इसकी जो ये मेट है ये आपने अलग से लगवाई है या साथ में आई थी? ये तो उसके साथ में आई है। अच्छा, ये साथ में आई थी अपने। और जो फ्लोरिंग वगैरह है वो आपने अलग से करवाई है? सही, अलग से करवाई है। बाकी इसके ओआरवीएम भी अपने फोल्ड और एडजस्ट दोनों अंदर से हो जाते हैं, ये सेट भी हो जाती है, मतलब अपने को ऊपर नीचे करना है तो अंदर से हो जाता है वो सब।
हाँ, और इसमें ये सीट में भी हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, रिक्लाइन वगैरह भी आप बढ़िया कर सकते हो, स्टीयरिंग भी ऊपर नीचे अपने हाइट के हिसाब से होता है, और बाकी इसका हॉर्न भी सही है क्यों? हाँ, हॉर्न ह्यूंडई ने मतलब अलग। बाकी चाबी दिखाना है इसकी, वही चाबी भी आपको ऐसी कुछ मिल जाती है, फ्लिप की वगैरह मिल जाती है। अब ईशान भाई, आप इसको 1.5 साल से चला रहे हो और 12,000 किलोमीटर के ऊपर चला ली है, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा क्या रहा है? ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, कभी इसने निराश नहीं करा है अपने को, मतलब कभी बंद नहीं हुई है और बिल्कुल स्मूथ चलती गई है। मतलब भाई अपन बोले ऐसा तो आप सेटिस्फाई उसको लेकर फुल्ली सेटिस्फाइड है इससे अपन, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है इसमें। अच्छा चलो, ये बात तो ठीक है, पर रहने में इसमें बहुत कंफर्ट रहता है और हाईवे पे भी बहुत कंफर्ट रहता है, दोनों तरफ से अपने किधर भी प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें। और भाई अच्छी अच्छी बातें तो आपने इसके बारे में बता दी, पर हर गाड़ी में कुछ ना कुछ कमी तो रहती है, तो ऐसी कुछ आपको कमियां इसमें लगी हो? इसका मतलब एक ड्रॉबैक ये है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है, हाँ, जैसे अपन कहीं ऐसी जगह जाते हैं पथरीली इलाका या फिर जहाँ ब्रेकर बड़े जैसे गांव वाले इलाके में जाते हैं, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर करके अपने को लेनी पड़ती है, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मतलब ब्रेकर पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, और इसका एक मतलब सिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती ग्राउंड क्लियरेंस, बाकी ऑफ रोड अगर अपन ने चले इसको, हाँ, तो उसमें कभी थोड़ी बहुत इधर उधर करना पड़ता है। और एक माइलेज का इसका थोड़ा सिटी में माइलेज इसका थोड़ा कम है। अच्छा, माइलेज सिटी में इतना खास नहीं है? हाँ, सिटी में इतना खास नहीं, बाकी हाईवे पे तो जो नॉर्मल रहता ही है 21-20। अच्छा, वो है इसे। और कुछ नेगेटिव कि बस इतना ही? बस नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो इतने ही हैं, दो ही हैं भाई, ग्राउंड क्लीयरेंस और माइलेज, बाकी तो बाकी सब तो आपको इसमें बढ़िया लगता है। जी जी, मतलब कुल मिलाकर आप सेटिस्फाई हो गाड़ी को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था भाई ईशान भाई का एक्सपीरियंस, 1.5 साल इनको हो गए हैं और 12,000 किलोमीटर के ऊपर इन्हें चला दी है। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ईशान भाई थैंक यू सो मच। तो वीडियो को भाई यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना और चैनल भी भाई सब्सक्राइब जो कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।